हे गाइस, दिस इज केयोइक टॉटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को कुछ रीजन बताऊंगा कि क्यों आप लोग 1v1 पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एंड आप लोग क्यों बार बार 1v1 हारते हो एंड 1v1 को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर तक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही गाइड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज बनाते रहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, हमारी सबसे फर्स्ट रीज़न है कि आप लोग 1v1 पे क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एंड आप लोग बार बार 1v1 क्यों हारते हो, वो है कि आप लोग अपनी एम से ज़्यादा अपनी मूवमेंट पे फोकस करते हैं। मैंने काफ़ी सारे बंदे की गेम प्ले पे ये वाली प्रॉब्लम को नोटिस किया है। इवन मैंने जितने सारे बंदे के साथ भी 1v1 किया है ना, सारे के सारे बंदे ना अपनी एम से ज़्यादा अपनी मूवमेंट पे फोकस करते एंड यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बिकॉज अगर आप लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हो ना, तो आप लोगों की एम अच्छे से नहीं लग पाती है। एंड गाइज, मैंने ये काफ़ी बार देखा, जब एनिमी किसी बंदे के सामने जिगल करते करते सडनली क्राउच वगैरह कर देता या फिर कोई रैंडम मूवमेंट कर देता है, तो सामने वाला बंदा भी ना कोई हरकत कर देता, वो भी भाई इतनी ज्यादा जिगेल कर देता है या फिर क्राउच वगैरह कोई रैंडम मूवमेंट वो भी देना स्टार्ट कर देता है एंड वो शो ऑफ करना चाहता है एनिमी को कि देख भाई हमें भी इतनी मूवमेंट आती है। बट होता क्या है, एट द एंड वो लोग एनिमी से फिर भी पिट जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो एम है पूरी मेसअप हो जाती है उनकी मूवमेंट की वजह से। इसलिए अगर आप लोग जब जिगेल करते हो या फिर किसी भी टाइप की मूवमेंट करते हो, तो उसे इतना ज्यादा मत करो जिससे आप लोगों की एम बिगड़ जाए। तो गाइस, हमारी जो सेकंड रीज़न है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से आप लोग 1v1 पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर आप लोग 1v1 हारते हो। तो गाइस देखो, जब कभी भी आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों के हेडशॉट वगैरह मस्त कनेक्ट होते हैं एंड आप लोगों की जो हिप फायर है वो भी मस्त जाती है एंड आप लोग सामने वाले बंदे की जिगल वगैरह भी काफ़ी अच्छे से ट्रेस कर पाते हो। बट जब आप लोग 1v1 खेलते हो, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोगों का एक भी हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता, आप लोग सामने वाले बंदे की जिगल तक ट्रेस नहीं कर पाते या फिर आप लोगों का एम प्रॉपरली नहीं लग पाता है। तो इसके रीज़न है एम असिस्ट। देखो, जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो ना, वहाँ पे आप लोगों का हेडशॉट काफ़ी अच्छा कनेक्ट होता है, जिगल भी अच्छे से ट्रेस कर पाते हो, एम भी अच्छे लगता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मल TDM पे एम असिस्ट वर्क करती है एंड जब आप लोग रूम वगैरह खेलते हो उस पर एम असिस्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो अभी आप लोग सोचते हो कि भाई ये क्या मैं बोल रहा हूँ, तो देखो अभी आई बटन पे एक वीडियो आती होगी, आप लोग वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो, उस पर मैंने प्रूफ करके दिखाया है। तो गाइस समझ आया आप लोगों को क्यों आप लोग नॉर्मल TDM पे इतना मस्त बंदे को घुस घुस कर मारते हो एंड वही आप लोग 1v1 पे भाई बॉट लोग की तरफ पिटते हो। इसलिए गाइस, जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलो या फिर अनरैंक पे कोई भी मोड खेलो, आप लोग अपनी एम असिस्ट को हमेशा ऑफ रखो, जिससे आप लोगों को रूम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइस, हमारी जो थर्ड रीज़न है ना, इसकी वजह से आप लोगों के ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट नहीं होते। जब कभी भी कोई बंदा आप लोगों के सामने जिगेल कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी वैसी मूवमेंट कर रहा है, तो आप लोग उसकी मूवमेंट पे ध्यान मत दो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो उसकी मूवमेंट पे। बिकॉज अगर आप लोग उसकी मूवमेंट पे ध्यान दोगे ना, देन आप लोग प्रॉपरली एम नहीं कर पाओगे। मीन्स आप लोग एम तो करोगे, बट आप लोग उसकी बॉडी पे ज़्यादा फोकस रखोगे, इसलिए आप लोगों की एम जो बॉडी पे लगेगी एंड सामने वाला बंदा आप लोगों को हेडशॉट मारकर काफ़ी ईजिली किल कर देगा। इसलिए जब कभी भी एनिमी आपके सामने जिगेल कर रहा हो या फिर किसी भी टाइप की रैंडम मूवमेंट क्यों ना दे रहा हूँ, आप लोगों को सिंपली उस बंदे के हेड पे फोकस करनी है। आप लोग उसके हेड पे फोकस रखोगे ना, तभी आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट होंगे। बिकॉज अगर आप लोग उसकी मूवमेंट पे ध्यान दोगे, तो आप लोगों की एम भी उसकी बॉडी पे ही जाएगी। तो गाइस, हमारी जो रीज़न नंबर 4 है ना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है एंड इसी के वजह से काफ़ी सारे बंदे ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं 1v1 पे। देखो, जब कभी भी आप लोग किसी अच्छे बंदे के अगेंस्ट में खेलते हो या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ खेलते हो जिसकी KD 5 की, 6 की, 7 की, 8 की KD हो, तो उस टाइम पे आप लोगों के मन में एक ही चीज़ का फेयर होता है कि भाई सामने वाला बंदा काफ़ी तगड़ा प्लेयर है एंड उसे मैं कैसे हराऊंगा वो मुझे पता नहीं। तो गाइस, अगर आप लोग नर्वस होकर खेलोगे ना, देन आप लोग डेफिनेटली हारने वाले एंड आप लोग काफ़ी सिली सिली मिस्टेक भी करोगे जो आप लोग जनरली नहीं करते बिकॉज ऑफ फेयर। इनफैक्ट मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये आप लोग खुद ही रिलेट कर पाते होगे। देखो, जब आप लोग पैनिक होते हो, तो उस टाइम पे आप लोग काफी सिली मिस्टेक भी करते हो एंड आप लोग काफी जगह पे चोक भी करते हो। सिमिलरली जब आप लोग नर्वस होकर खेलोगे, देन उस टाइम पे आप लोग अपनी नेचुरल गेम प्ले शो नहीं कर पाओगे। तो जब आप लोग किसी अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट खेलो, तो फुल आप लोग कॉन्फिडेंट होकर खेलो जैसे आप लोग अदर प्लेयर के अगेंस्ट होकर खेलते हो। तब आप लोग अपनी गेम प्ले देखना कि आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हो एंड अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हैं, जिसके अगेंस्ट मैं खेल रहा हूँ, ये भी 5KD का प्लेयर है। लास्ट मैच मैंने इसके साथ खेला तो वो हो गया 10-10 किल से, बट उस वाली मैच पे ये लेवल 3 का वेस्ट पिक कर रहा था, तो मैंने इसे सेकंड मैच के लिए चैलेंज किया एंड मैंने इसे कहा कि भाई इस वाली मैच पे ये लेवल 3 वेस्ट वगैरह नहीं पिक करे। तो इस वाली मैच का रिजल्ट क्या होता है वो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी 1v1 की गेम प्ले वगैरह देखनी है, तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने इसे कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं दोनों ही जगह अपलोड करता हूं।
तो गाइस हमारी जो ये रीजन नंबर 5 है ना, ये आप लोगों को हेल्प करेगी अपनी 1v1 इंप्रूव करने में। तो देखो अगर आप लोगों को अपनी 1v1 इंप्रूव करना है ना, तो आप लोग नॉर्मल टीडीएम ज्यादा मत खेलो। देखो नॉर्मल टीडीएम खेलो, प्रैक्टिस के लिए खेलो या फिर वार्म अप के लिए खेलो, बट अगर आप लोगों को अपनी 1v1 इंप्रूव करनी है ना, देन इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1v1 टीडीएम खेलो एंड अच्छे प्लेयर के साथ खेलो। बिकॉज अगर आप लोग नॉर्मल टीडीएम खेलते हो ना, तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो जाएगी बट आप लोगों की 1v1 या फिर क्लोज रेंज इंप्रूव नहीं होने वाली। इसलिए आप लोग डेली 2 से 3 1v1 टीडीएम खेल लेना, देन 1 वीक के बाद देख लेना आप लोगों की क्लोज रेंज एंड 1v1 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी एंड आप लोगों की गेम प्ले भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को किसी अच्छे प्लेयर के साथ 1v1 खेलनी है एंड अगर आप लोगों को कोई अच्छा प्लेयर नहीं मिल रहा है, तो मेरी इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपनी कैरेक्टर आईडी डाल दो, क्योंकि काफी सारे बंदे मेरे को चैलेंज करते रहते एंड मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, जिसके वजह से मैं उनके साथ खेल नहीं पाता हूँ। तो अगर आप लोगों को उनके साथ खेलनी होगी तो आप लोग खेल लेना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर लेना।